फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे, देखिए ये डीएलएड थर्ड सेमेस्टर है और डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में से हम लेके आए हैं आपका समावेशी शिक्षा के पेपर में जो 15 नंबर के ऑब्जेक्ट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन क्वेश्चनों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। देखिए, आपको बता दें, आल एन वन जो ठाकुर पब्लिकेशन की गाइड है, उसी के सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में मैं आपको कवर करा दूंगा। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप नीचे रेड करके सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। यहाँ पे देखिए, इस वीडियो में मैं आपका कम से कम समय में पूरी किताब का सारे सारे ऑब्जेक्ट हैं वो मैं आपको करा दूँगा। यहाँ कम बहुत ही कम समय आपका लूँगा और वीडियो भी ज़्यादा लंबी नहीं बनाऊँगा। बहुत ही कम समय में सारे सारे क्वेश्चन कराने की कोशिश होगी। मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर बताते हुए चलूँगा, क्योंकि आपकी जो तैयारी है वो हो चुकी है, सिर्फ और सिर्फ आपको हर क्वेश्चन पे नज़र डालना है। तो आप आइए और नज़र डाल लीजिए। देखो, पहला जो क्वेश्चन है, दृष्टिबाधता का मापन किया जाता है। तो दृष्टिबाधता का जो मापन किया जाता है वो किया जाता है स्नेलन चार्ट। इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है हमारा, बाक विकार के प्रमुख प्रकार है। तो बाक विकार के जो प्रमुख प्रकार होते हैं वो होते हैं 6। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 कि प्रतिभाशाली बालकों की जो बुद्धि लब्धि है वो होती है। तो प्रतिभाशाली बालक हैं उनकी जो बुद्धि लब्धि होती है वो 120 से अधिक होती है। टर्मन के अनुसार अगर बात करोगे तो 140 प्लस कहलाएगा, 140 प्लस। अगर सामान्य बच्चों की हम वो सामान्य बालकों की अगर हम बात करें बुद्धि लब्धि की, तो देखो सामान्य बालकों का आपको ध्यान रखना है 90 से 110। कितना ध्यान रखना है? 90 से 110। जिनकी बुद्धि लब्धि 90 से 110 होगी वो बच्चे कैसे होंगे? सामान्य बच्चे होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, 50 से 75 बुद्धि लब्धि वाले बालक क्या कहलाते हैं? तो 50 से 75 जिनकी बुद्धि लब्धि है वो कहलाएंगे मंदबुद्धि बच्चे, बी ऑप्शन हो जाएगा। सारे के सारे क्वेश्चन हम आपको एक ही वीडियो में कंप्लीट करा देंगे, बस आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। विशिष्ट बालकों को कितने प्रकार से विभक्त किया जा सकता है? तो विशिष्ट बालकों को 4, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि कुछ विशिष्ट सुविधाओं से वंचित बालक क्या कहलाते हैं? तो कुछ विशिष्ट सुविधाओं से वंचित जो बालक होते हैं वो अपवंचित बालक कहलाते हैं, ए ऑप्शन सही है। मंद श्रवणबद्धता का डिसेबल स्तर होता है तो 55 से 69 होता है। कितना? 55 से 69। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा है विशिष्ट ऐसा व्यक्ति है जिसकी शारीरिक, मानसिक, बुद्धि, इंद्रियां, मांसपेशियों की क्षमता अनोखी हो। तो ये जो कथन है वो किसका है? तो ये है क्रिक का। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है आंशिक रूप से देखने में सक्षम बालकों की दृष्टि क्षमता कितनी होती है? तो 20/27 ये हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, सामान्य बच्चे आ गए। तो मैंने सामान्य बच्चे का आपको बताया था 90 से 110 जिनका बुद्धि लब्धि होगी वो सामान्य बच्चे होंगे। अगला क्वेश्चन है 11, किसने विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को दुर्लभ गुणों वाला बच्चा बताया है? तो दुर्लभ गुणों वाला जो बच्चा बताया है वो हीवर्ड ने बताया है, बी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है, आंशिक शारीरिक रूप से अक्षम बालकों को विभाजित किया जा सकता है? तो ये 4 भागों में किया जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13, आंशिक दृष्टिबाधित बच्चे पढ़ सकते हैं? तो ये है उत्तल लेंस की सहायता से। किससे? उत्तल लेंस की सहायता से। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है श्रवण दोष से ग्रसित बच्चों में दोष हो सकता है? तो भाई, कान से बाहर भी हो सकता है, कान के अंदर भी हो सकता है, कान के मध्य भी हो सकता है, यानी कहीं पे भी कान के अंदर हो सकता है, क्योंकि वो श्रवण दोष से ग्रसित बच्चा है तो कहीं पे भी कान में कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण अथवा गहन श्रवणबाधित बच्चों का सुनने का जो डिसेबल स्तर है वो कितना है? तो देखिए, 90 से 100 डिसेबल तक।
पूर्ण की बात कर रहा है, पूर्ण अथवा गहन श्रवण बाधित बच्चों का जो सुनने का डेसिबल स्तर है वो 90 से 110। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में कौन अस्थिबाधित बच्चों की विशेषता नहीं है। तो देखो अस्थिबाधित की बात कर रहा है यहाँ पे, तो जो हकलाना है ये अस्थिबाधित बच्चे की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रतिभाशाली बच्चे की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। तो ये है देखो 140 या इससे कम, ठीक है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ब्रेल लिपि उपयोग होती है। तो ब्रेल लिपि आपको पता है ये दृष्टिबाधितों के लिए उपयोग होती है। अगला जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन कह रहा है पिछड़े बालकों की पहचान हेतु परीक्षण है। तो पिछले बालकों की पहचान के लिए मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण है, बी ऑप्शन हमारा सही है। देखिए ठाकुर पब्लिकेशन की गाइड है, उसके सारे के सारे क्वेश्चन मैं इस वीडियो में आपको कराने जा रहा हूँ। तो वंचित होना निम्न स्तरीय जीवन दशा या अलगाव को पोषित करता है जो कि कुछ व्यक्तियों को उनके समाज की सांस्कृतिक उपलब्धियों में भाग लेने से रोक देता है। तो ये जो कथन है वो किसका है, तो ये कथन बॉलमैन का है। किसका है? बॉलमैन। क्वेश्चन नंबर 21, बी एन दास के अनुसार वंचित बालकों का लक्षण नहीं है। यहाँ पे देखो नहीं कह रहा है, तो उत्कृष्ट शैक्षिक उपलब्धि ए वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, कह रहा है बाल अपराधी बालकों के उपचार की विधि है। तो मनोविश्लेषणात्मक विधि भी है, मनोवैज्ञानिक विधि भी है और परिवीक्षण विधि है। उपरोक्त सभी डी वाला हमारा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। देखो विशिष्ट वर्ग के बालक नहीं होते हैं, देखो यहाँ पे नहीं है, तो नहीं में क्या हो जाएगा, सामान्य बालक हो जाएगा, क्योंकि जो सामान्य बालक हैं वो विशिष्ट वर्ग के अंतर्गत नहीं आते, जबकि प्रतिभाशाली हैं तो प्रतिभाशाली हैं, विशिष्ट वर्ग हैं, ठीक है। पिछड़े बालक भी विशिष्ट वर्ग के हैं, विकलांग बालक भी विशिष्ट वर्ग के हैं, क्योंकि उनमें विकलांगता है तभी तो एक विशिष्ट गुण पाया जा रहा है, या वो पिछड़े बालक हैं तभी तो विशिष्ट बालक हैं, या प्रतिभाशाली बालक हैं तभी तो उनके अंदर विशिष्ट गुण है, लेकिन सामान्य बालकों के अंदर कोई भी विशिष्ट गुण नहीं है, इसलिए सामान्य बालक हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो कह रहा है को अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालकों हेतु शिक्षण विधि है। तो देखो गतिवर्धन और संपन्नीकरण या विशिष्ट पाठ्यक्रम, विशिष्ट कक्षाएं, उपरोक्त सभी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 25, देखो ट्रमन के अनुसार कह रहा है बुद्धि लब्धि, तो ट्रमन के अनुसार मैंने आपको बताया था 140 से अधिक हो जाएगी, ठीक है, प्रतिभाशाली की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, अगला क्वेश्चन कह रहा है दृष्टिबाधित का मुख्य कारण क्या है। तो दृष्टिबाध का वातावरण और वंशानुक्रम दोनों, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला है विकलांग शिक्षा के मुख्य आधार हैं, तो विकलांग शिक्षा के मुख्य आधार क्या है, शारीरिक विकलांगता, यहाँ पे पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि विकलांगता शिक्षा के मुख्य आधार है ये पूछ रहा है, तो शारीरिक विकलांगता। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन की आवश्यकता नहीं होती, यानी शिक्षा प्रक्रिया है, शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन की आवश्यकता नहीं होती, तो इसमें जाएगा प्रतिभाशाली बालकों के लिए, क्या हो जाएगा, प्रतिभाशाली बालकों के लिए। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, तो क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है कि विकृत बालकों को बनाना चाहिए, विकृत बालकों को क्या बनाना चाहिए, तो विकृत बालकों को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। हकलाने के क्या कारण हैं, तो हकलाने का कारण वंशानुक्रम में वातावरण है, यानी उपरोक्त दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 31, देखिए वाक दोष के प्रमुख प्रकार हैं, तो वाक दोष के 6 प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, कह रहा है दृष्टि बालकों हेतु अधिगम सामग्री है। तो ब्रेल पुस्तकें हैं, फोनिक कान एवं सून ट्यूब उपकरण उपयोगी है, किसके लिए है, श्रवण बाधित बच्चों के लिए है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है कि गति अक्षमता के लिए सहायक उपकरण कौन से हैं, तो व्हील चेयर और बाकर एवं कृत्रिम अंग, ये दोनों हैं, तो उपरोक्त दोनों सही हो जाएगा। मनोरंजन अधिगम सामग्री का उपयोग होता है, तो किसके लिए होता है, देखो अधिगम असमर्थी बालकों के लिए होता है, अधिगम असमर्थी बालकों के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, सहकर्मी शिक्षण किसी मध्यस्थता की रणनीति है, तो इसमें हम जाएंगे उच्च बौद्धिक एवं निम्न क्षमता वाले छात्र। अगला क्वेश्चन है व्यवहार का कोई दिशा प्रदान करने वाली प्रतिक्रिया के लिए आवश्यक तत्परता का नाम अभिव्यक्ति है, यह परिभाषा किसकी है, तो यह ट्रेवर्स की है, किसकी है, ट्रेवर्स। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 7,
क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है सहकारी अधिगम के अंग हैं, तो खेल द्वारा अधिगम, सामूहिक अधिगम और शिक्षण मेले व भ्रमण उपरोक्त सभी, यानी डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन है सामाजिक अधिगम के लिए किस प्रकार की शिक्षा का साधन है, तो सामाजिक अधिगम की किस प्रकार की शिक्षा का साधन है, अनौपचारिक, क्या है, अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है बड़ी सिस्टम का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ है, तो बड़ी सिस्टम का सर्वप्रथम जो प्रयोग हुआ है वो 1942 में हुआ है। ब्रेल लिपि में कितने डॉट सेल हैं, तो 6 हैं। इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगाओ, कितने हैं, 6। अगला क्वेश्चन है हमारा ब्रेल आशुलिपि किसे कहते हैं, तो ग्रेड 3 को, किसे कहते हैं, हम ग्रेड 3 को कहते हैं ब्रेल आशुलिपि। भारतीय ब्रेल कितने डॉट पर आधारित है, तो भारतीय ब्रेल जो है वो 6 डॉट पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कह रहा है कि बोलते हुए कैलकुलेटर का उपकरण का प्रयोग या उपयोग कौन करता है, तो देखो बोलते हुए कैलकुलेटर का उपयोग कौन करेगा, जो आंशिक रूप से दृष्टि बाधित है, जिसे दिखाई नहीं देता या पूर्ण दृष्टिहीन है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा दोनों। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है ब्रेल सीट का उपयोग एक दृष्टिहीन बालक उचित ढंग से कब कर सकता है, तो उचित ढंग से कब कर सकता है बालक, तो ये हो जाएगा देखिए ब्रेल का उपयोग जानता हो और ब्रेल स्लेट का उपयोग जानता हो, दोनों, तो यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा दोनों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 15 पेन एवं पेपर की तरह किस उपकरण का प्रयोग करते हैं, तो पेन एवं पेपर की तरह आप ब्रेल स्लेट एवं स्टाइल्स का उपयोग करते हैं। देखो 6 डॉट सेल में कितने विभिन्न चरित्रों का वर्णन करते हैं, अगर हम 6 डॉट सेलों की बात करें तो इसमें हो जाएंगे 63, कितने, 63। अगला क्वेश्चन है कॉन्ट्रिक्ट बेल किसे कहते हैं, यानी क्रॉन्ट किट्स बेल किसे कहते हैं, तो ग्रेड 2 को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 बिंदु वाली ब्रेल लिपि को किस नाम से सुरक्षित रखा गया है, तो ब्रेल आस्की, क्या है इसका ऑप्शन, ब्रेल आस्की है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, देखिए मेरा काम है आपको कम से कम समय में हर क्वेश्चन पे आपकी नज़र डलवाना, ठीक है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम करीब है तो आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए मैं कम से कम समय में आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन कराने की कोशिश करूँगा या कर रहा हूँ। विकलांग बालकों की औपचारिक शिक्षा से पूर्व उनको प्रशिक्षण किस माध्यम से दिया जाता है, तो ये सभी है देखिए विशिष्ट बालक शिक्षा केंद्र, बालवाड़ी, आंगनवाड़ी, प्राथमिक विद्यालय, ये सभी, यानी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 20 आपसे कह रहा है शारीरिक और बौद्धिक रूप से विकलांग बालकों के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, तो कौन कौन से हैं, देखिए पहला ऑप्शन हमारा है विशिष्ट कक्षाओं में पूर्णकालिक सेवा, और बी ऑप्शन है विशिष्ट शिक्षण में पूर्णकालिक सेवा, तो दोनों वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा ब्रेल लिपि उपयोगी है, तो ब्रेल लिपि देखिए दृष्टिबाधित जो बच्चे होते हैं उनके लिए उपयोगी है। अगला क्वेश्चन देखिए मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, थोड़ा धीमा आया है। निर्देशन की प्रविधियाँ होती हैं, तो निर्देशन की जो प्रविधियाँ हैं वो प्रमापीकृत और अप्रमापीकृत प्रविधियाँ दोनों होती हैं। अगला क्वेश्चन है परामर्श का उद्देश्य आत्म परिचय या आत्मबोध है, यह कथन किसका है, तो ये रूथ स्ट्रैक का है, किसका है, रूथ स्ट्रैक का है। अगला क्वेश्चन है परामर्श की प्रविधियाँ हैं, तो मधुर संबंध स्थापित करना ये भी है, आत्मबोध निर्मित करना ये भी है, और व्याख्यान विधि ये भी, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है निर्देशन के क्षेत्र हैं, तो निर्देशन के व्यक्तिगत निर्देशन भी है और शैक्षिक निर्देशन भी है, इसलिए दोनों वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फाइव आपसे कह रहा है परामर्श के प्रकार, तो जो परामर्श के प्रकार हैं वो है नैदानिक परामर्श, इसमें बी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कूप एवं की फावर ने निर्देशन सेवाओं का वर्गीकरण कितने प्रकारों में किया है, तो इन्होंने किया है 3 प्रकार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है परामर्श एक सीखने पर आधारित प्रक्रिया है जो सहज व सामाजिक वातावरण में आमने सामने होती है, यह कथन है, तो यह कथन इसमें से कोई नहीं होगा। बुद्धि परीक्षण को सम्मिलित किया गया है, तो बुद्धि परीक्षण है, इसे अप्रमापीकृत विधियों में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 समावेशी शिक्षा में निर्देशन एवं परामर्श सेवाएं हैं,
तो जो समावेशी शिक्षा है इसमें निर्देशन एवं परामर्श जो सेवाएं हैं वो नियुक्ति सेवा है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। परामर्श का उद्देश्य छात्र को अपनी कठिनाइयों को हल करने के लिए योजना बनाने में सहायता देना है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है डंसमूर का। किसका है? डंसमूर का। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 11। निर्देशन नवयुवकों को अपने से दूसरे से और परिस्थितियों से सामंजस्य करना सीखने के लिए सहायता देने की प्रक्रिया है, तो ये किसका है? ये जोन्स का है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है परामर्श का अभिप्राय है दो व्यक्तियों का संपर्क जिसमें एक व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता दी जाती है, यह कथन किसका है? तो यह मायर्स का कथन है। अगला क्वेश्चन है निर्देशन एवं परामर्श द्वारा बताया जा सकता है तो क्या करने योग्य है, क्या ना करने योग्य है, क्या करने योग्य, क्या ना करने योग्य, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, निर्देशन एवं परामर्श द्वारा बताया जा सकता है तो उपरोक्त में से कोई नहीं, हमारा चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है परामर्श में व्यक्ति को समस्या समाधान हेतु सहायता दी जाती है, किसके माध्यम से? तो वार्तालाप के माध्यम से समाधान किया जाता है। परामर्श से संबंधित उपकरण हैं तो संचित अपलेख भी हैं, साक्षात्कार भी हैं, आत्मकथा एवं निरीक्षण, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 16 है व्यक्ति को बुद्धिमत्तापूर्ण चयन एवं सामंजस्य के लिए दी जाने वाली सहायता निर्देशन है, यह कथन है, तो यह कथन जो है वो ऑर्थर जे जोन्स का है। निर्देशन का प्रकार नहीं है तो नहीं है, यानी लिखित निर्देशन नहीं है, यानी शैक्षिक निर्देशन, व्यक्तिगत निर्देशन और व्यावसायिक निर्देशन निर्देशन का प्रकार होता है, लेकिन लिखित निर्देशन है वो निर्देशन का प्रकार नहीं होता। तो क्वेश्चन नंबर 18 हमारा देखिए क्या कह रहा है कि निर्देशन तथा परामर्श देने का कार्य प्रारंभ होना चाहिए तो ये प्राथमिक स्तर से होना चाहिए। मनोविश्लेषणवाद के जनक तो फ्रायड को कहा गया है, मनोविश्लेषणवाद के जनक हैं फ्रायड। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए निर्देशन एवं परामर्श दोनों एकार्थवादी शब्द नहीं हैं, परामर्श निर्देशन में समाविष्ट है, परामर्श की प्रक्रिया में साक्षात्कार एवं मूल्यांकन का प्रयोग साधन के रूप में होता है, यह कथन किसका है? तो ये हम्पेस और ट्रैक्सलर। अगला क्वेश्चन है हमारा माध्यमिक स्तर पर निर्देशन सेवा के उद्देश्य हैं, तो वही माध्यमिक स्तर की बात कर रहा है, तो नवीन विद्यालय जीवन से परिचित कराना बिल्कुल सही है, विषय चयन में सहायता ये भी सही है और पाठ सहकामी क्रियाओं के विषय में निर्देशन ये भी सही है, तो उपरोक्त सभी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका अप्रमापीकृत प्रविधियों के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है, तो ये समाजमिति अप्रमापीकृत जो विधियाँ हैं उसके अंतर्गत समाजमिति हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रमापीकृत प्रविधियों के अंतर्गत किस परीक्षण को शामिल किया गया है, तो इसमें है व्यक्तित्व परीक्षण यानी पर्सनालिटी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। निर्देशन युवक को सहायता देने की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा वह स्वयं के साथ दूसरों के साथ और परिस्थितियों के साथ समायोजन करना सीखता है, तो ये किसका कथन है? ये स्किनर का है। क्या है? स्किनर का है। अगला क्वेश्चन कह रहा है अच्छी निर्देशन सेवा होती है जो बाल केंद्रित है, ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। निर्देशन का प्रकार नहीं है तो निर्देशन का अभी बताया था, लिखित निर्देशन नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 27 का भी आंसर आपको बताया, निर्देशन एवं परामर्श द्वारा बताया जा सकता है तो क्या करने योग्य, क्या ना करने योग्य, एक विकल्प और दोनों सही है। ठीक है, तो पहला वाला जो ऊपर क्वेश्चन मैंने बताया था उपरोक्त में से कोई नहीं, तो उसे आप सही कर सकते हो। ठीक है, वहाँ पे आप थोड़ा चेंज कर लेना, मैंने शायद मिस्टेक कर दी उस क्वेश्चन को बताने में। अगला क्वेश्चन है मंडलीय मनोविज्ञान शाला कितने वर्ष से कम आयु वाले छात्रों को बाल निर्देशन प्रदान करता है, तो आयु कितनी होनी चाहिए? 10 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन कह रहा है निर्देशन सेवाओं हेतु उपयुक्त मनोवैज्ञानिकों को तैयार करने के लिए प्रवेश अर्हता है, तो ये देखिए एमए मनोविज्ञान, एमए शिक्षा शास्त्र, एमएड, उपरोक्त सभी। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान संबंधित है, तो ये जो है बेसिक शिक्षा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 4
क्वेश्चन नंबर चार है, छात्रों को कितने प्रकार में वर्गीकृत किया गया है? तो छात्रों को चार प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर पाँच कह रहा है, ग्राम शिक्षा समिति में अभिभावकों में से कितने प्रतिनिधि होते हैं? तो अभिभावकों में से तीन प्रतिनिधि होते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होगा? तो ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष की बात कर रहा है, तो ग्राम प्रधान होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सात आपसे कह रहा है कि समानता विद्यालय परामर्श सेवा संगठन के कितने प्रारूप माने जाते हैं? तो कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, गैर सरकारी संगठन के वर्गीकरण के कई आधार हैं। कई आधार क्या हैं? इसमें से हो जाएगा पर्यावरण सुरक्षा। क्वेश्चन नंबर नौ, जिला चिकित्सालय छात्रों की निम्न बीमारियों का निदान तथा उनसे संबंधित परामर्श देता है? तो ये बाकदोष सिरबर दोष दोनों, यानी बी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन समझो, परामर्श एवं निर्देशन देने वाली संस्था मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो कहाँ पे स्थित है? ये इलाहाबाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर ग्यारह आपसे कह रहा है कि परामर्श से संबंधित जिले की विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व करता है, तो ये करता है जिले का मुख्य चिकित्सा अधिकारी। देखो, जिले की विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व जो करता है वो जिले का मुख्य चिकित्सा अधिकारी होता है। अगला क्वेश्चन नंबर बारह, तो क्वेश्चन नंबर बारह कह रहा है, विद्यालय में बाल अवरोध की समस्या को रोकने में प्रमुख रूप में सहायक है? तो ये है निर्देशन एवं परामर्श, डी ऑप्शन। सीएटी परीक्षण है, सीएटी परीक्षण जो है वो बच्चों के लिए है। किसके लिए है? बच्चों के लिए है। अब देखो, अगला है मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश स्थित है, तो ये इलाहाबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए आ गया, पर्यवेक्षण शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है? तो पर्यवेक्षण जो है वो परि प्लस अवेक्षण, परिधन अवेक्षण, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 16, समावेशी एवं ऐच्छिक संस्थाएं हैं, तो लायंस क्लब, रोटरी क्लब और लियो क्लब समाज सेवी और ऐच्छिक संस्थाएं, ये सभी हैं। अगला क्वेश्चन देखो, परामर्श में सहयोग देने वाले प्रमुख विभाग, तो देखो परामर्श की बात कर रहा है और इसमें सहयोग देने वाले जो हैं प्रमुख विभाग की बात कर रहा है, तो मनोविज्ञान शाला और मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, अब हम पहुँचे क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। कह रहा है, मनोविज्ञान शाला निकट क्षेत्रों में क्या निर्देशन सेवाएं प्रदान करता है? तो शैक्षिक निर्देशन, व्यक्ति निर्देशन, वैवाहिक निर्देशन, उपरोक्त सभी, चौथा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में गैर सरकारी संगठनों की लगभग कितनी संख्या है? तो ये 2 मिलियन है, यानी भारत में गैर सरकारी संगठन की लगभग कितनी संख्या है? तो 2 मिलियन है। क्वेश्चन नंबर आपका 20, केंद्र सरकार ने प्राथमिक एवं उच्च शिक्षा को उन्नत बनाने के लिए राज्य शिक्षा संस्थान की योजना कब प्रस्तावित की है? तो ये 1963 और 64 में प्रस्तावित की है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, समुदाय का अर्थ कितने शब्दों से मिलकर बना है? तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र कहाँ नहीं है? तो मंडलीय जो मनोविज्ञान केंद्र है ये दिल्ली में नहीं है, बकाया आगरा मंडल, लखनऊ और कानपुर तीनों जगह है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 23, मनोविज्ञान केंद्र का मुख्य कार्य क्या है? तो भैया निर्देशन करना भी है, प्रशिक्षण करना भी है, शोध कार्य भी है, उपरोक्त सभी, डी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आ गया पहला क्वेश्चन, क्योंकि न्यू चैप्टर स्टार्ट हो गया, सामान्य बच्चे, तो मैंने आपसे बताया जो सामान्य बच्चे होते हैं उनका IQ लेवल होता है वो 90 से 110 होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दो है, किसने विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को दुर्लभ गुणों वाला बच्चा बताया है? तो हेबेड ने। ये देखिए आपका पेपर आ गया, ठीक है, आपका पेपर आ गया, ये 2016 का पेपर अपने लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक। तो तीसरा क्वेश्चन देखिए, सारे के सारे क्वेश्चन आपको पढ़े हुए मिलेंगे, आंशिक शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को विभाजित किया जा सकता है, तो ये 4 वर्गों में, ये भी क्वेश्चन पढ़ा था। और क्वेश्चन नंबर 4 आ गया, आंशिक दृष्टिबाधित बच्चे पढ़ सकते हैं, तो उत्तल लेंस की सहायता से, हमने ये भी पढ़ा। और देखो पांचवा क्वेश्चन भी आपका पढ़ा हुआ है, सिरबर दोष से ग्रसित बच्चों में दोष जो हो सकता है,
वो कान के बाहर, अंदर, मध्य, उपरोक्त तीनों सही हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन पढ़ा है। देखो छठा क्वेश्चन भी आपका पढ़ा हुआ है। पूर्ण तथा गहन श्रवण बाधित बच्चों का सुनने का जो डिसिबल है वो 90 से 100 डिसिबल तक है। सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अस्थि बाधित बच्चों की विशेषता नहीं है, तो हकलाना ये नहीं है। ये भी हमने क्वेश्चन पढ़ा। सारे के सारे क्वेश्चन आपके पढ़े हुए बसेंगे। ये 2016 का पेपर सॉल्व कर रहे हो आप लोग। प्रतिभाशाली बच्चों की जो बुद्धि लब्धि होती है 140 या इससे कम, अधिक भी हो सकता है, 140 प्लस भी हो सकता है। किसके अनुसार? ट्रमन के अनुसार। नेक्स्ट है, निर्देशन नवयुवकों को अपने से दूसरे और परिस्थितियों में सामंजस्य करना सीखने के लिए सहायता देने की प्रक्रिया है, ये किसका है? तो ये स्किनर ने कही है, कहा है, स्किनर का कथन है। अगला देखो, ये जो अगला कथन है आपका, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर आप स्टार लगाओ। कह रहा है, परामर्श एक अभिप्राय है जो दो व्यक्तियों का सतर्क, जो दो व्यक्तियों का संपर्क जिसमें एक व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता दी जाती है, तो ये मायर्स का है। किसका है? मायर्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, परामर्श में व्यक्ति को समस्या समाधान हेतु सहायता दी जाती है, तो वार्तालाप के माध्यम से। ये क्वेश्चन भी हमने आपको कराया। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन हमने आपको कराया कि परामर्श एवं निर्देशन देने वाली संस्था मनोविज्ञान उत्तर प्रदेश में स्थित है, कहाँ पे? इलाहाबाद में। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 आपसे ये कह रहा है कि भाई जो परामर्श है, परामर्श से संबंधित जिले की विशेषज्ञ समिति का जो नेतृत्व करता है कौन करता है? तो यह है जिले का मुख्य चिकित्सा अधिकारी। पहला ही ऑप्शन सही है। यहाँ पे देखो, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि विद्यालय में बाल अपहोदन की समस्या को रोकने में मुख्य रूप से सहायक है, तो निर्देशन एवं परामर्श दोनों हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, निर्देशन एवं परामर्श द्वारा बताया जा सकता है, तो क्या करने योग्य, क्या ना करने योग्य, यह बताया जा सकता है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ठीक है, अगला देखिए, नेक्स्ट पेपर आ गया 2017 का। 2017 के पेपर को भी देखते हैं। ब्रेल लिपि उपयोगी है, तो दृष्टिबाधित के लिए उपयोगी है। पिछड़े बालकों की पहचान हेतु की जाती है मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण से। बी ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, वंचित होना निम्न स्तरीय जीवन दशा या अलगाव को पोषित करता है, जो कि कुछ व्यक्तियों को उनके समाज की सांस्कृतिक उपलब्धियों में भाग लेने से रोक देता है, यह कथन किसका है? तो ये बॉल मैन का है। किसका है? बॉल मैन। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, बीएन दास के अनुसार वंचित बालकों का लक्षण नहीं है, तो नहीं है उत्कृष्ट शैक्षिक उपलब्धि, यानी पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाल अपराधी बालकों के उपचार की विधि है, तो मनोविश्लेषणात्मक, मनोवैज्ञानिक और परिवीक्षण विधि, उपरोक्त सभी। डी वाला ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, विशिष्ट वर्ग के बालक नहीं होते, तो विशिष्ट वर्ग के बालक कौन नहीं होते? सामान्य बालक जो होते हैं वो विशिष्ट वर्ग के बालक नहीं होते।